Sahil and Rajshri are very good co-stars. We all know. So we tried to ask them about their off-screen musty and here is what they said. कैसी होती है जो? मैं क्या बताऊँ? बता? मैं तबीयत नहीं ठीक है तुम बताओ। नहीं हम ये बिल्कुल नहीं करते जो अभी कर रही है ऐसे हम बिल्कुल नहीं करते ऐसा लेकिन मैं और जो ऐसे ही फिर एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं मतलब बातें करते हैं दुख बांटते हैं सुख बांटते हैं और ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं पता नहीं क्या करते हैं फिर मैं इसको धक्का मार देता हूँ फिर क्या होता है दो की शिफ्ट है तीन दिन से यार सोए नहीं है तीन रातें हो गई हैं और दिन में नींद नहीं आती है आधे सोए आधे जागे रहते हैं क्या कर रहा है शुरू में ज़्यादा बात नहीं करता था इसको पता नहीं मुझसे क्या दिक्कत थी क्यों नहीं बात करते थे क्योंकि तुम्हारे चश्मे तब अच्छे नहीं थे चश्मे तब मैं लगाती नहीं थी तब तुम ज़्यादा काली थी नहीं पता नहीं हम ज़्यादा बात नहीं करते थे तब हमारी बनती नहीं थी बनती नहीं से मतलब क्या बात ही नहीं करते थे तो बनने ना बनने का पता ही नहीं चला जिससे आप बात करते हो तब पता चलता है ना कि आपकी बन रही है मुझे तुमने पहले बोला है कि तुम मुझसे क्यों बात नहीं करते थे अब तुम नहीं बता रहे हो बहुत शाणे बनते हो तुम शाणे में सीख गई मुझे लगता था कि ये सीरियस नहीं है अपने काम को लेके सर जी बड़े सीरियस हैं आज तक दिखता है मुझे मुझे लगता था ये घमंडी है शायद इसलिए बात नहीं करता जो होते हैं ना घमंडी लड़के अपने उसमें रहते हैं तो मुझे ये लगता था पता ही नहीं चला मैं फिर कब दोस्ती हो गई कब बातें करने लगी है ना शायद सीन करते करते साथ में एक चीज़ मुझे मैं कभी नहीं भूल सकता राशि के साथ वो है जब ये हम बाहर एक्सीडेंट सीन कर रहे थे और ये स्कूटर पे थी अपने और ये गिर गई और ये गिरी और काफ़ी ज़ोर से गिरी और इसके यहाँ खून वून आ गया लेकिन ये लड़की उठी और इसने सबसे पहले उठ के क्या बोला चूना चूना आएगा चूना चूना लो चूना आए सर रानी रानी सर रानी शॉट लीजिए ना रानी आई थिंक दैट वाज द डे व्हेन आई रियली स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग राजश्री क्योंकि अगर कोई और भी होता मैं भी होता कोई और भी होता आधा घंटा वेस्ट होता लेकिन उस दिन कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ ऐसे नहीं बोला ना चूना ऐसे तो नहीं बोला था अच्छा राजश्री के हिसाब से उसने कैसे बोला था वो उठी चूना could you get me some tuna not you sona I want some tuna oh I'm feeling better now let's take a shot कुछ नहीं ऐसे नॉर्मल बोला होगा कि अरे लग गया कोई किसी के पास चूना है बिल्कुल ऐसे पर सब हंसने लगे थे यार उस वक्त सबको लगा कि क्यों हंसे तू ये बता पहले मुझे नहीं पता आया चूना आ गया चूना हर दिन एकदम हद होती है लड़का बोलेगा कुछ भी बोल देगा अभी नहीं देखा कैसे कितना ऐसे मैंने बोला होगा चूना क्या तूने बिल्कुल ऐसे ही बोला था जो बकवास मत कर तू था भी नहीं उस वक्त वहाँ पे था तूने दाल की खिचड़ी मंगाई थी सेट पे हाँ। याद आ गया मुझे तो कोई याद रहता ही नहीं है मुझे नहीं याद सच्ची याद होगा भी तो अभी तुरंत याद नहीं आएगा एक और इंसिडेंट है मुझे याद है व्हिच आई थिंक गॉट अस क्लोजर एज फ्रेंड्स हमारी कोई किसी बात पे लड़ाई हुई बहुत सीरियस लड़ाई हुई अरे एक तो मुझे भी याद है एक बार हमारा झगड़ा हुआ और हम कैमरा रोल हो रहा था और हम कैमरे के आगे ही झगड़ा करने लग गए वो मुझे याद रहेगा हमेशा और मैं रोने भी लग गई पता है नहीं बेवकूफ हूँ मैं कहीं ना कहीं हम दोनों एक तरह से सोचते हैं God, that work is something what you, you know, worship. और उस दिन हमने वो लाइन क्रॉस कर दी थी दोनों ने
एक कैमरा के सामने हम अपनी अपनी पर्सनल इक्वेशन लेके आए थे, वो दोनों को काफ़ी बुरा लगा था, फिर दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोला, चांटे मारे, फिर ठीक हो गए. हाँ, दैट वॉज द सेम इंसिडेंट, बिकॉज वो दोनों हम वी बोथ रियलाइज हाउ रॉन्ग वी वर टुगेदर, हमें कहना नहीं पड़ा एक दूसरे को. सोचो जब तक बेइज्जती ना करे तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता. हाँ, खाना हजम ही नहीं होता. बेइज्जती अब नहीं करता है, लेकिन परेशान तो करता है अभी भी. कब किया तेरे को मैंने परेशान? ये क्या है? कब किया तुझे मैंने परेशान? तुझे परेशान मैंने कब किया? दिखा दिखा, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? देखा आप लोगों ने, ये क्या है? तुझे मैंने परेशान कब किया तुझे बता? अब नहीं करता, वही तो मैंने बोला था, परेशान भी नहीं करता, बेइज्जती भी नहीं करता, पूरा दिन गाने सुनते रहता है. प्यार तो नहीं हो गया तुम्हें वापस से ईशा से? मैं नहीं मनाती, खुद ही आता है बात करना. आई गो एंड आई किस हर, आई हग हर. हाँ, लेकिन मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि ये मेरे पास आया तो मैं थोड़ा नखरे दिखाऊँ, ये ऐसे करेगा तो मैं डबल ऐसा करके आ जाऊँगी. ठीक है, मान गई. She is the only person that, apart from Garima Dimri, who is my creative director, she is the only person, ek lauti aisi hai, whom I have found as a lifelong friend. Chahe main se baat karun, na karun, main music sunun ya na sunun, somewhere I always wish nice for her. Bas ek lauti insaan hai set pe, is ek saal mein jo mujhe mili hai. Mujhe to bahut log mil gaye hain ek saal mein. Ek tarah se dekha jaye to puri nayi family mil gayi, maa mili. साहिल मिला, देबो मिली, गौरव मिला, सारे अच्छे दोस्त मिले एक परिवार की तरह, जो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं. लता मैम है, मतलब जब मैं पहले बीमार पड़ती थी तो शायद मैं अकेले होती थी सबके होते हुए भी, अब मैं बीमार पड़ती हूँ कुछ भी मुझे इतना सा भी हो जाता है तो सब लोग मेरे आसपास होते हैं, और मुझे ऐसा नहीं लगता कभी भी कि ये लोग, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जब तक शो है तब तक ये लोग हैं, बाद में नहीं रहेंगे. पता नहीं कि मुझे फ़ील नहीं होता कि ये लोग बाद में नहीं रहेंगे, मुझे लगता है ये हमेशा मेरे साथ रहने वाले हैं. तो शो से मुझे बहुत 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 कुछ मिल गया. मुझे समझ नहीं आता क्या बोलूं. थैंक यू बोल सकती हूँ कि प्लीज़ प्यार करते रहिए सुहानी से और राजश्री से भी, दोनों बहुत ज़्यादा अलग नहीं है. सेम ही है? नहीं, सेम तो नहीं है. सुहानी जैसी महान नहीं है राजश्री, उसे कभी कभी गुस्सा आ जाता है. आता है ना? मुझे तो कभी गुस्सा नहीं आया तुझे. हाँ, वैसे कभी आया नहीं किसी पे, पर शायद आता ही होगा. उतनी महान नहीं हो सकती, बुरा लगता है उसे. खैर, वो तो सुहानी को भी लगता है. सुहानी की बात नहीं कर रहे, वो फैंस की बात कर रहे हैं. अच्छा, फैंस क्या बोलना है? ये बोलना है कि प्लीज़ ऐसे ही प्यार करते रहिए, और एक अगले साल साहिल और मुझे, हम दोनों को अवार्ड मिलना चाहिए, और वो सब आपके प्यार की वजह से हो सकता है. अवार्ड मिले ना मिले, बट कीप वॉचिंग द शो, बहुत मेहनत जाती है हमारी, देयर्स अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस दैट्स गोइंग इनटू इट. कीप लविंग अस, और हम बाकी को तो नहीं बोल सकते, बट वी प्रॉमिस दैट जो मेरे और राजश्री के सीन होंगे, जो राज और सुहानी के सीन होंगे, वो हमेशा दिल से होंगे, और उसमें हमेशा आपके लिए कोई ना कोई एफर्ट लगा रहेगा. थैंक यू. वी विश यू गाइस कंटिन्यू टू बी लाइक दिस फॉरएवर, एंड योर फ्रेंडशिप कंटिन्यूज फॉरएवर एंड एवर. रुचिका सिंह विद कैमरामैन बाबाजी, इंडिया फोरम्स, मुंबई. Hi, this is Sahil Mehta, and you're watching India Forums, and please subscribe to WhatsApp TV. Please.